17 क्वेश्चन में दिया है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस हुज वेक्टर इक्वेशन आर गिवन लाइन आर, गिवन लाइन आर, ओके यू आर हैविंग वेक्टर आर इज इक्वल टू 1 माइनस टी आई कैप प्लस टी माइनस 2 जे कैप प्लस 3 माइनस 2 टी के कैप, ये आपको लाइन दी हुई है, ठीक है। बहुत ही आराम से सॉल्व करना है इसको, ओके सी दिस इज गिवन टू यू। आप सबसे पहले क्या करो, सी पहली लाइन की बात कर रहा हूं अभी मैं, ओके दिस इज आई कैप माइनस टी आई कैप प्लस टी जे कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप माइनस 2 टी के कैप। नाउ सी दिस टर्म एंड सी दिस टर्म, दीज टर्म्स आर फ्री फ्रॉम टी, तो वेक्टर आर हो गया आपका आई माइनस 2 जे प्लस 3 के, ठीक है। और ये देखिए, ये और ये टर्म जिनको वेवी लाइंस दिए हुए हैं, इन सब टर्म में टी है, तो टी आप कॉमन ले लीजिए, टेक टी कॉमन प्लस टी कॉमन इन द ब्रैकेट यू गेट माइनस आई कैप, देखिए ये नेगेटिव है माइनस आई कैप, ओके देन दिस इज प्लस जे कैप एंड दिस इज माइनस 2 के कैप। यस एनी डाउट टिल नाउ, हमने सबसे पहले ये किया है। नाउ सी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बहुत इजी है, ये देखिए समझ लीजिए प्लीज, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इसका फॉर्मूला है a2 टू माइनस ए वन डॉट बी वन क्रॉस बी टू अपॉन मॉड ऑफ बी वन क्रॉस बी टू, यह है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला a2 टू माइनस ए वन डॉट बी वन क्रॉस बी टू अपॉन मॉड ऑफ बी वन क्रॉस बी टू। तो आपको क्या क्या चाहिए वो देख लीजिए, यू वॉन्ट ए टू माइनस ए वन, इसमें सबसे पहले फिर ए टू क्या है और बी वन क्या है, बी टू क्या है, ए वन क्या है, ये सब आपको लिखना पड़ेगा। नाउ सी फ्रॉम अबाव लाइन ये पहली लाइन है, तो ये होगा आपका ए वन, ए वन आएगा आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, ठीक है। और ये आएगा बी वन, बी वन आएगा माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप, ठीक है। ये दूसरी लाइन है, ये आएगा ए टू, ए टू आएगा आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, ओके। और बी टू, बी टू आएगा आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 2 के कैप। इसमें कोई डाउट, ये हमारा फॉर्मूला है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, ओके। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के फॉर्मूले में ए टू दिखाई दे रहा है, ए वन दिखाई दे रहा है, बी वन दिखाई दे रहा है, बी टू दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले आपको ए वन क्या है, ए टू क्या है, बी वन क्या है, बी टू क्या है, वो लिखना है। पहली लाइन में जो फ्री फ्रॉम लैमड़ा, यहाँ पे टी है, फ्री फ्रॉम लैमड़ा या टी है वो ए वन है, जो लैमड़ा या टी के साथ है वो हमारा बी वन है। सेकेंड लाइन में ये हमारा ए टू है और ये बी टू है, ठीक है, हमने ये लिख लिया। अब हम ये चीजें जो वहां पे दी है ना वो फाइंड करेंगे, ओके। वी विल फाइंड बी वन क्रॉस बी टू, बी वन क्रॉस बी टू आपका आएगा डिटर्मिनेंट आई जे के, ओके यू विल गेट आई जे के। बी वन है माइनस वन वन माइनस टू एंड वन टू माइनस टू, क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए डिटर्मिनेंट यूज किया जाता है, ठीक है। अब ये आई एज इट इज यू गेट वन इंटू माइनस टू माइनस टू एंड टू इंटू माइनस टू माइनस फोर, इसका नेगेटिव करेंगे प्लस फोर हो जाएगा, मीन्स यू गेट टू आई कैप, ओके ये माइनस हो गया, ये प्लस फोर हो जाएगा। माइनस जे दिस इज प्लस टू, दिस इज प्लस टू, ओके माइनस वन इंटू माइनस वन सॉरी माइनस वन इंटू माइनस टू प्लस टू हो जाएगा, वन इंटू माइनस टू माइनस टू आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस फोर जे, यहां से प्लस फोर हो रहा है और जे को हमने जो नेगेटिव लिया था वो, एंड वी टेक प्लस के यू गेट माइनस टू माइनस वन मीन्स माइनस थ्री के कैप, ये आएगा। इसका आप फाइंड करो मैग्नीट्यूड, क्योंकि डिनोमिनेटर आपको इसका मैग्नीट्यूड है, डिनोमिनेटर में इसका मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड में आएगा अंडर रूट ऑफ टू स्क्वायर इज फोर प्लस माइनस फोर स्क्वायर इज सिक्सटीन प्लस 9, तो ये अंडर रूट 29 आ गया,
दिस इज अंडर रूट 29। ओके फाइंड a2 माइनस a1, ये आपका a2 माइनस a1 है। ओके दिस इज योर a2, दिस इज योर a1, इनका सब्ट्रैक्शन, i माइनस i कैंसिल, माइनस j प्लस 2j, तो j आ जाएगा, एंड माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4k। क्लियर? न्यूमरेटर में a2 माइनस a1 ये रहा, इसका डॉट प्रोडक्ट b1 क्रॉस b2 से है। सो a2 माइनस a1 डॉट प्रोडक्ट विथ b1 क्रॉस b2, क्रॉस प्रोडक्ट में डिटरमिनेंट रहता है, डॉट प्रोडक्ट में i i का मल्टीप्लिकेशन, j j का मल्टीप्लिकेशन, k k का मल्टीप्लिकेशन। ओके नाउ यहां पे i के साथ कोएफिशिएंट 2 है, और यहां पे तो i है ही नहीं, मतलब 0, 0 इंटू 2, फिर यहां पे j के साथ माइनस 4 है, यहां पे j के साथ 1 है, तो ये प्लस 1 इंटू माइनस 4, और यहां k के साथ माइनस 3 है, और यहां k के साथ माइनस 4 है, प्लस माइनस 3 इंटू माइनस 4, यह आपको 0 देगा, माइनस 4 प्लस 12, एंड दिस गिव्स यू 8। तो क्लियरली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का है जो हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, इसमें न्यूमरेटर 8 आ रहा है और डिनोमिनेटर आ रहा है आपका अंडर रूट ऑफ 29, और यहां पे वर्ड आएगा यूनिट, यूनिट इसलिए क्योंकि हम डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं। ओके क्लियर? अब बताइए एनी डाउट इन दिस?